अपना प्लॉट देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तमन्ना थी। तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर से इधर को इतनी ज़मीन मेरी है। ताऊजी से मिलने, तो मेरे ताऊजी आ रखे हैं देहरादून, तो मैं आज छुट्टी ली थोड़ा, क्योंकि घर में काम था और आज ताऊजी को भी मिलने जा रहा हूँ, तो चलते हैं ताऊजी को मिलने। और आज मैं आया इनके साथ, इसके लिए प्लॉट खरीद रहे हम, जो आगे गाड़ी चला रहा, लेकिन इसी को पता नहीं है कि प्लॉट कहाँ पे और एक ही महीना में। और भटकते भटकते हम आ गए हैं मोंटी लोगों के प्लॉट में। ये रहा उनका प्लॉट, ये रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। ये दलाल है प्लॉट का, तो हटा गिन में। और यहाँ से ये मकान इसके ससुर, माने सास ससुर का मकान है मोंटी के। ये रहा प्लॉट, और इसे आप जानते होंगे घतोड़ा गाँव का पहले नामी बदमाश गुंडा था, जिसके परसों शादी हुई उसका चचेरा भाई, और साथ में वो गया है। ये अपना प्लॉट देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तमन्ना थी, तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पर से इधर को इतनी ज़मीन मेरी है, यहाँ पर मैं अपना छप्पर बनाऊँगा। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ, मैंने चारों तरफ थोड़ा बहुत जंगल भी है, और दो तीन मकान हैं, ज़्यादा मकान नहीं है, दो तीन मकान हैं। यहाँ से अब मुझे जाना है ताऊजी को मिलने, तो ताऊजी पता नहीं कितनी दूर रहते, इतना दूर तो इनका है यहाँ से, फिर करीबन के टाइम 12 बज गए, तो ताऊजी पता नहीं कितनी दूर होंगे। और आगे भी काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं, लेकिन मार्केट जैसा, मैंने मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और जगह भी, इनकी ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह में है, माने कि एकदम सुनसान, ज़्यादा शोर शराबा, गाड़ियों के हॉर्न हान की आवाज़ बिल्कुल नहीं है, चलो तब से आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे यहाँ। तो अभी लगा है बंदा वीडियो बनाने पर कि घर भेजूँगा मैं, ये रहो, और ये रहो नामी गुंडा घतोड़ा गाँव का। तो अभी यहाँ पर भटक रहे हम, इनका प्लॉट देख के तो हम आगे, और अब हमने जाना है आगे रतनपुर, और रतनपुर में मेरे ताऊजी रुके हुए हैं, माने कि कल चले जाएंगे वो, और अब ताऊजी से मिलने जाएंगे हम रतनपुर। फिलहाल तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं एक और का, वो गया है गाड़ी में तेल भराने के लिए। मैं था यहाँ दोस्त के साथ पेपर देने, तो उसका पेपर था, और करीबन के 3 बजे पहुँच गए थे हम यहाँ पर, और अभी करीबन के टाइम के 5:30 बजे, अभी तक भी नहीं आया बाहर, और यहाँ पर मेरे को खतरनाक नींद, 2 घंटे में सोया रहा गाड़ी में खड़े, जब उठा तो मेरा हाथ भी और पैर भी दोनों सुन पड़ गए थे, मैंने कि एकदम मुझे अजीब सी सुना थी, क्योंकि आने में उनसे काफ़ी टाइम लग गया। ऊपर शायद छूट गया हुआ क्योंकि 5:30 तो हो गए हैं, लेकिन अभी उसी का इंतजार हो गया, क्योंकि आया तो नहीं हुआ, आ जाएगा तो यहाँ से हम रूम की तरफ चले जाएंगे।